खाली कुर्सियों को दी जा रही मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की जानकारी। सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषि उपज मंडी में कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। खाली कुर्सियों को जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक अरविंद पाठक जानकारी दे रहे हैं। यह सम्मेलन मुंडवारा विधायक संदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने है। अभी तक सम्मेलन शुरू नहीं हुआ है। जो भी चंद किसान आए हैं उन्हें बांध रखने के लिए सहकारिता विभाग के कर्मचारी संबोधित कर रोके हुए हैं। सम्मेलन के संबंध में विधिवत प्रचार प्रसार न होने के कारण किसान कम संख्या में पहुंचे हैं। इसके साथ ही भीषण गर्मी भी किसानों के न आने की वजह बताई जा रही है। एक कारण यह भी सामने आया है कि किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, लगातार खेती में घाटा हो रहा है, इसलिए वे इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अभिषेक जैन, मुकेश जैन, सुनील पुरी, गोस्वामी जय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र गुप्ता, कमला विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनों की मौजूदगी रही। हीरा विश्वकर्मा, एमपी न्यूज कास्ट, कटनी। अब आप सुनिए, 2,86,00,000 तो उन्होंने पटाया, उनको फायदा क्या हुआ ये सुनिए। 2,68,92,000 रुपए का उनका ब्याज मुक्त हो गया, ब्याज लगा नहीं, उसको निल कर दिया गया। ये है सरकार की योजना। सरकार आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार आपको बताना चाह रही है कि हम ब्याज माफ करने को तैयार हैं। उसके लिए वो ये बात भी कर रही है साथ में। सरकार ये नहीं कह रही कि मूलधन बस हम लेंगे, सरकार कह रही है हमको सिर्फ मूलधन दे दो, ब्याज मत दो। लेकिन सरकार ये भी समझ रही है कि मूलधन भी किसान कहां से लाएगा एक साथ, उसके लिए भी किसान को छूट दी गई है कि आप मूलधन का मात्र 50% जमा कर दो, सिर्फ 50%। उसके बाद आज जो आपके डिफाल्टर होने का एक आपके ऊपर सील लगी हुई है, आप सोसाइटी में पैसा लेने जाते हो तो वो कहते हैं आप डिफाल्टर की लिस्ट में हो, हम आपको खाद के लिए, बीज के लिए, अन्य कार्यों के लिए जो हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप डिफाल्टर की लिस्ट में हो। तो सरकार ने यह व्यवस्था भी कर दी है कि आप अपने ऋण का मूलधन, ब्याज नहीं बोल रहा हूं, ब्याज तो माफ कर रही सरकार, मूलधन बस आप 50% दे दो, आपको अगला लोन लेने के लिए, अगला ऋण लेने के लिए सुविधा फिर से हो जाएगी, आप डिफाल्टर की सूची में से हटा दिए जाओगे। हर तरफ से सरकार आपका ध्यान रख रही है। सरकार चाहती है कि कृषक ऋण समाधान योजना के अंतर्गत एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के बीच में प्रचार प्रसार करना था, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी कृषक हितैषी योजना जो हमारे कृषक बंधु हैं उनके मतलब बहुत बड़े हित की योजना है। इसमें उनका जो है संपूर्ण जो ब्याज है वो माफ़ करने की योजना है। इसके अनुसार अगर वो 50% अपना मूलधन वापस कर देते हैं 15 जून तक, तो सारा का सारा उनका ब्याज माफ़ हो जाएगा। इससे जो है किसानों में जो है जो आर्थिक बोझ बढ़ा हुआ है उसमें कंट्रोल आएगा, और दूसरी बात यह है कि अगले ऋण की उनमें पात्रता आ जाएगी और डिफॉल्टर घोषित नहीं होगा। सर जी, इसमें प्रचार प्रसार की कमी से सर ये यहाँ पर आधी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, पल्लेदारों द्वारा भरी गई कुर्सियाँ, आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें यह है कि अभी जो है कि काफी कृषक इसमें आए, इसमें पल्लेदार वाले यहाँ पर सर तो अधिकारी बस ज्यादा दिख रहे थे सर, किसान कोई नहीं दिखा अभी, बाद में चले गए थे, बाद में गर्मी काफी ज्यादा पूरे पल्लेदार द्वारा भी बैठे थे, क्योंकि ये जो अपना मंडी परिसर है तो कुछ पल्लेदार भी थे, उनके लिए यहाँ पे नाश्ते की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, हमने उनको भी आमंत्रित किया था, वो भी जानकारी का लाभ लें, और वो भी कृषक के ही एक भाग, पल्लेदार जो है कृषक से अलग ही। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा हूँ, सहकारिता सहायक आयुक्त। क्या आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सोसाइटी के माध्यम से जो किसानों के ऊपर पुराने ऋण और पुराने ब्याज इत्यादि की राशि पड़ी हुई है जिनके कारण वो डिफाल्टर घोषित हो जाते हैं और भविष्य में उन्हें जो खाद बीज इत्यादि के लिए राशि की आवश्यकता होती है तो ऋण नहीं मिल पाता, उसके लिए मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये एक योजना लाई गई है कि अगर आप अपने मूलधन का ब्याज अलग कर दें, मूलधन का सिर्फ 50% अगर जमा कर देते हैं तो आपका पूरा ब्याज की राशि जो है वो माफ हो जाएगी
और आपका डिफॉल्टर की लिस्ट से नाम हट जाएगा, आप नए सिरे से राशि प्राप्त करने के लिए, ऋण प्राप्त करने की आपको सुविधा हो जाएगी। इससे फायदा ये होगा जो हजारों की संख्या में किसानों के ऊपर पुराना बकाया मैं ब्याज को, अभी उसका एक आंकड़ा इन लोगों ने दिया है 2,50,00,000 करीब 2,86,00,000 रुपए किसानों ने जमा किया है और उसमें उनका 2.5 करोड़ रुपए का ब्याज माफ हो गया, यानी मूलधन और ब्याज लगभग बराबर पहुंच चुका था। 2,86,00,000 रुपए किसान ने जमा किया, 2,50,00,000 रुपए उसका ब्याज माफ हो गया, तो अब वो डिफॉल्टर की सूची से बाहर आ गया। और तीसरा फायदा ये कि अब वो फिर से अपनी ऋण की इस लेने की स्थिति में आ गया। इसी तरह से खाद बीज के लिए एक विशेष योजना आई है कि अगर आप 10,000 रुपए का खाद बीज लेते हो तो उसमें आपको सिर्फ 9,000 देना पड़ेगा, 10% की अलग से छूट शासन द्वारा दी गई है, वो मध्य प्रदेश सरकार जमा करेगी 1,000 रुपए। तो ये आज उद्देश्य था कि किसान इस योजना का फायदा उठाएं, जो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है डिफॉल्टर का, जिसके कारण वो भविष्य में खेती के लिए राशि प्राप्त नहीं कर सकते, इधर उधर से अधिक ब्याज पे राशि लेते थे, क्योंकि सरकार ने तो अब ये स्थितियां कर दी कि जो 18% ब्याज लगता था उसको जीरो पे ले आए, अब तो 10,000 की जगह 9,000 की भी बात करने लगी है सरकार और किसानों को सुविधा देने लगी है। तो सरकार जो चाह रही कि कृषि जो लाभ का धंधा बने, उस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए योजनाएं घर घर तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन था कि इसकी जानकारी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फैले और यहाँ जो लोग जानकारी प्राप्त करें वो अन्य लोगों को बताएं, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम।